अबे मेरा फोन 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 999 पे ऐसी अटकी। पीछे अभी ताजा एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं किस्मत क्या गेम खेलना चाहती है, पर भाई साहब हम भी रेडी हैं खेलने के लिए। एक नए दिन एक नए चैलेंज के साथ दोबारा से गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का दिन है थोड़ा सा स्पेशल, बिकॉज काफी अच्छा मुझे लग रहा है पहले से। तो चलो बाइक पे निकलता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ आप लोगों से बाइक चलाते हुए, बिकॉज अगर ऐसे बात करूंगा लेट हो जाऊंगा और मैं 5 मिनट लेट हो चुका हूँ पहले ही। जैसे कि मैं ऑलवेज हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, एक नए दिन और एक नए चैलेंज भरे दिन में आपका स्वागत करता हूँ। तो यार सच में आजकल ना दिन थोड़े चैलेंज भरे ही होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे लाइफ में चैलेंज भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे मेरी बाइक में तेल है नहीं और मुझे तेल डलवाना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जो अभी पेट्रोल पंप है वो है सिर्फ भाई झंडे वालन, और वहां तक शायद ये बाइक चल जाएगी। मुझे इसके ऊपर भरोसा है और मुझे इससे प्यार है, तो मेरा साथ तो वहां तक निभाएगी। बिकॉज अगर झंडे वालन पे नहीं डलवा पाया मैं, ये देखो इनमें अलग रेस लगी हुई है भाई। इनके रेस के चक्कर में भाई किसी दिन ना हम जैसे बाइकर्स ही जाते हैं। तो कहाँ पे था मैं ये बता रहा था कि हाँ, अगर मैं झंडे वाले पे तेल नहीं डलवा पाया ना तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फिर उसका नेक्स्ट पेट्रोल पंप जो है वो सीपी में है, और सीपी ज्यादा दूर तो नहीं है, पर फिर भी यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। कदे मैं धक्का मारूं और मैं हॉस्पिटल के लिए लेट नहीं होना चाहता। आज का चैलेंजिंग डे काफी ज्यादा है, आज बहुत सी लोकेशंस पे भी जाना है। और पहली प्रॉब्लम ये है कि गोप्रो में मेरी चार्जिंग भी नहीं है और मेरा फोन मेरे पास नहीं रहने वाला है। मेरा फोन मेरे पास क्यों नहीं रहने वाला है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा, क्योंकि फोन मुझे देना है किसी को, किस काम के लिए वो भी तभी बताऊंगा, अभी नहीं। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि मुझे हॉस्पिटल के चक्कर आजकल क्यों लगाने पड़ रहे हैं, तो पुरानी वीडियो देख लेना यार। पुरानी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये देखो, ये कोई भी कहीं से भी कैसे भी शाखा लाखा बूम बूम करते हुए निकल के चलाता है। तो यार अभी तो ना बाइक भी कह रही है भाई तेल दो, क्योंकि थोड़ा पिकअप लेने में ना थोड़ा सा रो रही है। पेट्रोल पंप और मुझे जाना है इसी साइड, थोड़ा सा घूम के यहाँ पे तेल डलवाता हूँ, उसके बाद सीधा निकलता हूँ मैं अपना हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल। और अभी टाइम हो चुका है 8:15, जैसे मैंने बोला था कि आज मैं लेट हो चुका हूँ यार, काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। वरना 8 बजे तक मैं हॉस्पिटल के अंदर होता था और अपना पर्चा जमा करा देता था, मेरा नंबर आ जाता पहला दूसरा, और आज लेट हूँ पता नहीं 7वां 8वां ना आए बस। तो चलो यार तेल डलवाऊँ। एंड अभी थोड़ी बाइक भारी चल रही है, और तेल डलवाने के बाद ना बाइकों में मैंने एक चीज़ देखी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। तो किस पे चलूँ, यहाँ पे 3 लीटर करना, 3 लीटर आराम से भाई। हम तो करेंगे ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पे करना है यार हवा डलवाऊँ, नहीं यार छोड़ो। फाइनली यार तेल डलवा लिया, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं रॉन्ग साइड जाऊँगा। रॉन्ग साइड इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि लंबा पड़ जाएगा यार वाला, और यहाँ पे पुलिस वाले अंकल थे, चलो यार थोड़ा सा बख्श दिया इन्होंने, तो थैंक फॉर। एंड फाइनली तेल डलवाने के बाद बाइक हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही मस्त चल रही है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती ये भाग रही है, प्लस इसमें हवा की भी कमी थी तो वो भी पूरी हो चुकी है। तो अब मेरी बाइक हो चुकी है एकदम टकाटक, अब कोई दिक्कत नहीं यार। हवा ना हर हफ्ते डलवा लेनी चाहिए, हर हफ्ते अपनी बाइक की हवा को जरूर चेक कराना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हो, लोग ज़्यादा चलाते हो, आपका फील्ड वर्क है या कोई भी वर्क है ना, सबसे ज़्यादा अगर बाइक चलाना पड़ता है आपको, तो हर तीसरे दिन में एक बार दिखा लो यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ये देख रहे हो यार, इनके चक्करों में ना, ये दिल्ली के ऑटो वालों, केजरीवाल क्या कर रहे हो साहब, क्या कर रहे हो, क्या बता रहा था मैं, हाँ कि यार बाइकें को अपनी सर्विस करा के रखो, मेंटेन करके रखो, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि यही है जो आपका सहारा है, यही है जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, और यही है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, जो आपके लिए सब कुछ करती है, ये आप समझ सकते हो, सब कुछ तो नहीं। ओए, हवा भरने के बाद ना भाई इतनी स्मूथ चलती है ना, इतनी स्मूथ मज़ा ही आ जाता है, और थोड़ी माइलेज बढ़ जाती है, और पीछे वाले में हवा तो काफ़ी ज़्यादा कम थी। फाइनली यार मैं आ चुका हूँ, बट इस बार मैं बाइक अंदर नहीं खड़ी करने वाला, बिकॉज अंदर कर देता हूँ ना काफ़ी अलग ही लेवल के लफड़े हो जाते हैं निकालने में। तो अभी मैं इसे यहीं खड़ी करता हूँ, और लेट हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी भागता हूँ यार अंदर की तरफ, मुझे पर्चा जमा करना है। सो सबसे बड़ा लफड़ा पता क्या हुआ, भाग भाग के आया, पसीने देख पा रहे हो, और ले जाके जमा कर दिया, और नंबर जिस बार आया 7th, 8th, 9th, 10th यही कुछ होगा। और मेन पंगा क्या है यार, पहले फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे आ जाता था, अब मुझे भी लगता है कि मेरा टाइम हो जाएगा। पहले मैं 9 बजे दिखा लेता था, 9:10 तक, 9:30 बज जाएंगे अब मुझे लगता है। बाकी भूख लग रही है, सुबह घर से कुछ खा के नहीं आया, नाश्ता कुछ था नहीं, तो पीछे एक कैंटीन है, तो यहीं पे जाके कुछ खाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या मिल सकता है, पहले देखूँ मिलता क्या क्या है। एक ब्रेड पकौड़ा, एक वेज सैंडविच कर देना, दो चीज़ मैंने ऑर्डर कर दिया है, एक अपना है सैंडविच और एक ब्रेड पकौड़ा, और इसी से ही थोड़ा अपना काम चलाते हैं। बाकी फिर सुमित के घर तो जाना नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि थोड़ा काम है, जैसे कि मैंने बताया था कि फ़ोन मुझे किसी को देना है, और आगे बताता हूँ किसे देना है।
ब्रेकफास्ट करके मजा आ गया। समोसे तो नहीं थे, समोसे वैसे खाता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट थे नहीं, तो मैंने ब्रेड पकौड़ा और सैंडविच लिया। दोनों अच्छे थे, टेस्ट अच्छा था। पहली बार हॉस्पिटल में मुझे टेस्ट अच्छा मिल गया, वरना इससे पहले भी मैंने यहीं पर खाया, टेस्ट में वो दम नहीं होता था। बट हाँ, जैसे कि अभी दिखाया मैंने आपको टाइम स्लैप में, 8:45 हो चुका है, मुझे चलना है अंदर की तरफ। देखता हूँ, वो अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, रश काफ़ी ज़्यादा रहता है। तगड़ा सा सीन हो गया। सीन ये हुआ ना, पंचा जो लगा रखा था एक आंटी ने उसे ऊपर नीचे कर दिया, जिस जगह में जो नंबर्स आने थे ना अप डाउन हो गए और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अब गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार मैं 7th नंबर पे था और कहीं और ज़्यादा पीछे ना हो जाऊँ। पर हो जाऊँ तो बढ़िया है, जब पर पीछे हो जाऊँगा ना बहुत ज़्यादा मूड खराब हो जाएगा यार। अब कुछ कर तो सकते नहीं उस बीच में, क्योंकि कौन किसी के ऊपर भरोसा किया जाए कि मैं पहले आया। तो अब देखो यार क्या है, किस्मत में क्या रखा। और ये GoPro को चार्जिंग पे लगा दिया, जैसे मैंने बोलता बैटरी एकदम डेड है। और सुबह से थोड़ा सा काम उल्टा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी यहाँ पे स्विच और यहाँ से कनेक्टिविटी कर दी, 15 से 20 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत तो चार्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे यहाँ के बाद निकलना है मंगोलपुरी, वहाँ पे एक काम है और उससे पहले भी एक काम है। डॉक्टर के पास तो मैं हो लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेरा नंबर 7 था, बट पर्चे के अंदर आप देखोगे ना 9 है। तो मैंने पहले कहा था अप डाउन हो गया था थोड़ा, तो ये है कि ज्यादा पीछे नहीं हुआ, थोड़ा से पीछे हुआ था। सबसे बड़ा सीन पता क्या है, पहले से रिपोर्ट थोड़ी अच्छी है, तो मैं थोड़ा खुश हूँ कि हाँ चलो रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है और हालत हो गई काफी ज्यादा खराब, और गर्मी का रीजन हमें पता चला, जैसे सुमित बाबा ज्ञानी हमारे हैं, तो इन्होंने ये बोला है, क्या बोला था, किस कारण हमें पसीने इतने ज्यादा आ रहे हैं आजकल? अरे आजकल ना हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, खारा पानी आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है भाई आजकल हमारे इधर ना, इतना खारा पानी आ रहा है, इतना ज्यादा खारा पानी, चक्कर में पसीने आ रहे हैं। हम कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं ना, ये देखो कहीं भी देखो पसीने पसीने। बट हाँ, अभी मैं अपना फोन सुमित को दे रहा हूँ, सुमित को करना है ब्लॉग जाके इंद्रलोक में, और मुझे निकलना है मंगोलपुरी। जैसे मैंने आपको पहले बोला था मेरा फोन चला जाएगा मेरे पास से, तो ब्लॉग जो होगा आप GoPro से ही होगा अपने, तो यहीं से आपको बाकी कंटेंट आगे मैं देता हूँ। बाकी फोन देता हूँ सुमित को, वो निकले और बाइसेप्स है नहीं, चला रहने दो, जिम जिम करना है नहीं भाई। कितने महीने से बोला जाए कंटिन्यू जिम करने के लिए, दो महीने हो गए ना। आज उठ के किया है पर जिम जाने का नहीं, 2 महीने से देख रहे हो आज में। हाँ, पुशअप मार के पंप आते हैं। तो फाइनली अभी सुमित अपने इधर निकल रहा है और मैं अपने इधर जा रहा हूँ और मंगोलपुरी। तो भाई चलो मिलते हैं बाद में, और कहाँ मिलेंगे, इंद्रलोक पे मिलते हैं, वापस अपनी लोकेशन पे। तो इंद्रलोक पे मिलेंगे और मेरा फोन भाई के पास है और भाई मेरा फोन लेके भाग चुके हैं। अब मेरा फोन खोने का नहीं, फोन चाहिए मेरे को, तो मेरा फोन गया। ठीक है, तो यार अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना का, अभी सीधा मुझे चलना है मंगोलपुरी। मैप ऑन करता हूँ, निकलता हूँ, बाकी बात करते हैं बाइक चलाते हुए। सो मेरा फोन तो चला गया, सुमित के पास फोन है मेरा और उसका फोन मेरे पास है, और इसी में मैंने मैप ऑन कर लिया जो कि है मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया का। और इंडस्ट्रियल एरिया में जाने का एक लेने का है हमको, क्या लेने का है, प्रॉपर्टी। मजा कर रहा हूँ। तो अभी सबसे बड़ा पंगा पता क्या है इसमें, कि मेरे फ़ोन मतलब सुमित के फ़ोन में मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है किसी का, किसी भी क्लाइंट का। अगर मुझे कॉल आता है ना तो मुझे ये पूछना पड़ेगा, हेलो हाँ जी कौन, अरे हम बोल रहे हैं, हम कौन, तो ये वाला प्रॉब्लम रहेगा। पर हाँ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। कुछ ठीक चला था, अचानक से बत्ती बंद हुई, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यार यहाँ पे रश लग गया थोड़ा सा और लोग इधर से उधर करने लगे। और बत्ती खराब होता है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों को तो निकलना ही है ही है। आवाज़ सुनो यार, ये आवाज़ सुनो, तभी मैं कहूँ इतनी प्यारी सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये बेबे भाई, ये आवाज़ सुन के कैड़ा मज़ा आता, कैड़ी मज़ा आता। पर एक बात बोलूँ, उसको कोई नहीं देख रहा, मुझे ज़रूर देख रहे हैं लोग, आवाज़ सुन के उन्हें लग रहा है कि मैं निकाल रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं निकाल रहा हूँ। और आप ये देख सकते हो, ओ बेबे, बस यही चीज़ चाहिए होती है, यही चीज़ बाइक चलाते हुए यही चाहिए होता है, एक साउंड प्यारा सा और मज़ा आ जाए। तो यार काश अपना दिन कब आएगा ऐसा जो अपने पास ऐसी बाइक होगी जो ऐसी बूम कर रही होगी। वैसे यार एक बात कहूँ, अगर पूरे दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे मतलब जो साइडों में ना पेड़ लगा दिया जाए ना, बिल्कुल भी गर्म हवा लू सी नहीं लगती यार। अभी मैं इधर चला रहा हूँ ना भाई, इतनी ठंडी हवा लग रही है, काफ़ी अच्छा लगता है यार। पर जो खामा खामे सीमेंट का वो बना देते इतना बड़ा ना यार, पेड़ मत लगाओ। मैं बोलता हूँ चलो पेड़ से एक्सीडेंट होगा, होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर ऐसे ऐसे पौधे लगा दो भाई, यही ठंडा कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये। अब बस वाले गाड़ी वाले, अगर तुम मुझे रास्ता दोगे मैं तुमसे 150 रुपया दूंगा। चलो 150 रुपया बच गए, ऑफर करने से पहले ही रास्ता दे दिया इन्होंने। तो यार एक खुशी की बात यह है कि हेरा फेरी 3 आ रही है। ओए, पर यार सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसमें ये लगी है कि जॉन इब्राहिम को लेने की क्या जरूरत है भाई, अक्षय कुमार ही ठीक लगता है। कंफर्मेशन तो यही आई है शायद से, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, बट जो सुनते उड़ते खबर आई है तो यही आई है। भाई साहब सामने देखो क्या खड़ी है, पोर्शे HR नंबर गाड़ी। देखो यार लुक देखो, स्टाइल देखो, मैं थोड़ा ना आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूँ यार। ये देखो ये
और ये लुक देखो यार, अंदर डिस्प्ले देखिए आप लोगों ने, कितनी बड़ी लगी हुई है यार। ऑसम मैन, क्या मतलब क्या चीज बना रखी है यार, क्या चीज है। आई लव इट यार, बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों दुआ करो ऐसी गाड़ी अपन के पास भी हो। हेल्पर चाहिए, सो आज हम अपने लिए नौकरी ढूंढेंगे हेल्पर चाहिए वाले में, मतलब हम यहाँ पे हेल्पर का काम करने आए हुए हैं, तो चलो नौकरी के लिए इंटरव्यू देंगे आज। मजदूरी शुरू। कोई नहीं भाई, लोग तो कुछ लोग हमें मिल गए यहाँ पे, भैया जहाँ पे मीटिंग के लिए आता तो फोटो शूट वगैरह थोड़ा ले रहे हैं। स्टैंड उठा लेना, स्टैंड उठा लेना भैया, फुल जोश में खुशी देख सकते हो यार, कितना मजा आता है लोगों को ऐसी बाइक्स देख के ना। पहले जब मैं छोटा था ना, मेरा भी बहुत ज्यादा मन करता था किसी बाइक के ऊपर बैठूं, पर कोई मिलता नहीं था मुझे जिसे बैठूं। कोई नहीं आप करो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मेरी भी फोटो आएगी ना इसमें, बिल्कुल आएगी। बेलसा व्लॉग, चलो फिर कभी मिलते हैं। तो यार दुनिया में आप किसी से भी मिल लो, अगर आपको हॉस्पिटलिटी अच्छी ना लगे ना उनकी, तो भाई कितना भी बड़ा आदमी हो सब बेकार है। पर यार एक बात बोलूं, मैं यहाँ पे गया था, हॉस्पिटलिटी उनकी काफी अच्छी लगी। यार बाइक कितना भी तेज चलवा लो मजा आता है, पर जब गियर्स ना पहनो ना, इतनी ज्यादा मतलब फटती है भाई कसम से। अभी एक बच्चा अचानक से आ गया सामने तो मेरी हालत खराब हो गई थी। साइकिल चला रहा था वो साइड में, वो गया गलत साइड भी चलाता। यार घर वालों देखो, अगर आप फैमिली वाले हो ना, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज यार अपने बच्चों को उन्हें सिखाओ कि साइकिल किस डायरेक्शन में चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है। ओ मुझे लगा कैमरा बंद हो गया, पर कैमरा ऑन है। हाय 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 हाय, कैसे हो सभी, बढ़िया हो गए सभी। सो फाइनली यार सुमित अपने पास आ चुका है, और अभी हम दोनों जा रहे हैं एक शॉप पे। यार वो काफी देर से हमें ठस्सा दे रहा है, ये तो गलत बात है ना, पहले खुद ही टाइम दो उसका ठस्सा दो। ये मुझे बहुत बेकार लगता है उन लोगों का जो पहले बुलाते हैं फिर ठस्सा देने लगते हैं, फोन नहीं उठा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बड़ा मूड खराब होता है ऐसे लोगों से। तो यार अभी ना भूख लगी है बड़ी गंदी, और मैं पहुंच चुका हूं अपनी फेवरेट दुकान पे अंकल जी के पास, और यहाँ पे हम लोग हमेशा खाते हैं, और पर भीड़ ज़्यादा है तो अपन लोग सिर्फ पैक ही कराएंगे, इसके सिवा कुछ पैक ही करा लेते हैं ना। खाना भी हो चुका है, लेना का काम जो था वो ले लिया हमने। लिया क्या है, हमने एक प्लेट लिया, और इस प्लेट के अंदर हमें मिली दो आलू नान, एक छोले और एक राजमा, हाँ ये दो टाइप की सब्जी, और एक रायता, और प्लस में सैलड। तो भाई ये मज़ा ही आ जाता है। और सुबह से अभी बज चुके हैं यार, देखो 12:40 हो चुके हैं, और मैंने आपको बोला था इतना टाइम लग ही जाएगा, और लग ही गया एक्चुअली इतना टाइम यार। और भूख मुझे ना बड़ी भयानक लगी हुई है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। और गली में आप लोगों का स्वागत है मेरे घर की ओर। ओए होए, खाना खाना खाना। इतने में रायता ना गर्म हो जाता है, पता नहीं क्यों, अंकल को फ्रिज में रखना चाहिए। इंदर लोग से घर पे आ चुके हैं, और पहली बात अभी पंखा वगैरह बंद नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पर थोड़ा नॉइस एडजस्ट कर लेना। बट हम दोनों अभी बात करते करते हमें एक स्टोरी याद आई। तो कौन सी स्टोरी थी वो? 1K स्टोरी मतलब समझ सकते हो, हम 1000 व्यूज के लिए इतना तलफ रहते ना। हमारा साथ सीन क्या हुआ था, हमने वीडियो बनाई थी, सोजन स्लीपर किसकी थी, स्लीपर की थी बनाई थी हमने, और वो हमने डाल दिया। क्या हुआ, तो पहले तो रिजल्ट अच्छा आ रहा था, उसमें रिजल्ट ही डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया। जो वीडियो थी ना वो जाके 999 पे ऐसी अटकी, आप लोग सोच नहीं सकते, पर बहुत जल्दी अटकी थी। पर हाँ उसकी स्टोरी, हम कैसे तड़प रहे थे ना, वो बात ये इंसान बताया। 1K मतलब 999 पे आकर के अटक गई थी। 1K करने के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल से मतलब खुद के उससे मेल से जाकर खुद देख रहे हैं वीडियो की 1K हो जाए, और भाई वो भी नहीं हुई। हमने काफी कोशिश किया कि 1K उस पर लिखा हुआ आ जाए, मतलब हमने दूसरे अकाउंट का यूज किया कि 1K हो जाए, पर हम शाम से कोशिश करते थे पर वो जो 1K हुआ ना वो रात को 10 बजे करीब शायद हुआ था, जब फिर मैसेज आ रहे 1K हो गए, कांग्रेचुलेशन 1K हो गए, पहला 1K हुआ था वो हमारे वीडियो के ऊपर। हम इतने खुश हुए थे कि हाँ चलो 1K कम से कम हमने कंप्लीट किया, वरना हमें ज्यादा 250-300 व्यूज आते थे, पर बहुत तड़पे थे हम उस समय ना। हमें एक व्यू का वो मतलब क्या कीमत होती है ना, वो पता चलेगा कि एक व्यू के लिए मतलब यार एक व्यू के लिए हम कितना वेट करते कि 1K आ जाए। एक मिनट तो हमारे चैनल पे कभी भी 1K लिखा हुआ नहीं था अभी तक। सो फाइनली अपना पूरा दिन खत्म होता है आज, अभी डिनर का टाइम नहीं है, बट आज ब्लॉग को थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। पर खत्म करने से पहले यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके जाना। पीछे अभी ताजा एक्सीडेंट हुआ था, और यार हमेशा इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज पहन के चलो और स्कूटी वालों से बच के चलो, बिकॉज स्कूटी वाले का ही एक्सीडेंट हुआ दूसरी स्कूटी वाले से, और ये पीछे ट्रेन की आवाज जरूर आ रही है। तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाबा टेक केयर, एंड शेयर कर दो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। बाय।